हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, हुंड का जो नियम है, यह नियम जो है एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उन्हें संभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उन्हें समकक्ष संभ्रंश कक्षक कहते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, हुंड के नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, क्योंकि 3p, 5d और 7f कक्षक होते हैं, अतः पी डी और एफ कक्षकों में युग्मन, ठीक है, पी डी और एफ कक्षकों में युग्मन जो होगा वह पी में चौथे इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, डी में छठवें इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा और एफ में आठवें इलेक्ट्रॉन के भरने पर प्रारंभ होता है। ठीक है, यह देखा गया है कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए संभ्रंश कक्षकों का स्थायित्व उनकी सममित के कारण अधिक होता है। ठीक है, कक्षक जो हैं या तो आधे भरे हुए हों या तो पूरे भरे हुए हों, इसके कारण जो है उनकी सममित के कारण जो है उनका अस्थायित्व अधिक हो जाता है। तो हुंड का नियम जो है उपकोष से संबंधित है। ठीक है, यह नियम जो है एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा जो है बराबर होती हैं, उन्हें संभ्रंश कक्षक कहा जाता है। हुंड के नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग, ठीक है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम समझते हैं हुंड के नियम के अनुसार, आप देखें लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका 1s है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका विपरीत भरेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा यहाँ चला गया। उसी तरह इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं नाइट्रोजन का, अगर आप देखें तो इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह 1s है, तो 1, 2, यह 2s है, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यह आपका, यह 2p है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2, 2, 4 हो गए हैं, 3 बचे हुए हैं, तो वह तीनों इलेक्ट्रॉन जो होगा वह एक एक तीनों ऑर्बिटल में पहुंचेंगे, px, py और pz में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी कक्षक उपलब्ध होंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद जो है पेयरिंग शुरू होगी। जैसे ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में 8 होता है, तो यह 2, 4 हो गया और यह 5, 6, 7 और यह 8वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर पी का बात की जाए तो यह 4था इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4था इलेक्ट्रॉन जो है पी के लिए पेयरिंग कर रहा है, युग्मन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले उपलब्ध उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो है पेयरिंग शुरू होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, उसके बाद 4था, 5वां, 1, 2, 3, 4था, 5वां, 6वां। ठीक है, तो हुंड के नियम के अनुसार जितने भी उपकोष उपलब्ध होते हैं सबसे पहले उन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जो है भरते हैं, उसके बाद जो है इनकी पेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ठीक है, तो पी कोष की अगर बात किया जाए, पी उपकोष का, तो इसका युग्मन कौन सा इलेक्ट्रॉन करेंगे, 4था इलेक्ट्रॉन करेगा,
क्योंकि पी में तीन होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा पेयरिंग शुरू करेगा। उसी तरह डी में छठवां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू करेगा और एफ में आठवां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम देखा। इस नियम में आपने देखा कि यह नियम जो है एक ही कोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उन्हें संभ्रंश कक्षक कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, क्योंकि 3p, 5d और 7f होते हैं। ठीक है, अतः पी डी और एफ कक्षकों का युग्मन क्रमशः चौथे छठवें और आठवें इलेक्ट्रॉन के भरने पर प्रारंभ होता है। यह देखा गया है कि आधे भरे हुए, ठीक है, आधे भरे हुए हाफ फील्ड और पूरे भरे हुए फुल फील्ड संभ्रंश कक्षकों का स्थायित्व जो है उनकी सममित के कारण अधिक होता है। ठीक है, सिमेट्री के कारण जो है संभ्रंश कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है जब वो आधे भरे होते हैं या फिर पूरे भरे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। थैंक यू।